हरे राम कृष्ण। आज मैं आपको एक बहुत ही प्रभावशाली नक्षत्र विशाखा की व्याख्या करने वाला हूँ। ये गुरु का नक्षत्र है, गुरु प्रभाव, पांच गणों का स्वामी गुरु उसका नक्षत्र है। इनकी शख्सियत बेहद आकर्षक, विनम्र व्यक्तित्व, बहुत ही प्रभावी, निष्कपट, स्पष्ट वक्ता, स्वतंत्रता प्रिय, तर्क वितर्क कुतर्क करने के माहिर, और जब तक आप इनसे पनाह न मांग लो तब तक नहीं छोड़ेंगे तर्क वितर्क। दे विल गेट यू एग्रीड। ऐसे आदमियों को सरकारें बाहर अपना राजदूत बना के भेजती है। ये जब तक आप इनकी प्रपोजल को हाँ नहीं करोगे ना, पीछे नहीं हटेंगे। आपसे हाँ करवा के, परसुएट करके कैसे भी ले जाएंगे। गुरु प्रभाव के आकर्षक व्यक्तित्व में दूसरा भटक जाता है और इनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देता है। ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा, इनको धन की बहुत ज़्यादा चाह होती है और ये विपरीत के वशीभूत रहते हैं। अगर ये स्त्री है तो पुरुष इसको कोई बात कहेगा तो उसकी हाँ में हाँ मिला देती, तुझे बोले हाँ तो हाँ। अगर स्त्री है, पुरुष इसको बोलेगा तो तू बोले हाँ तो हाँ। माना ये विपरीत के कहने पे चलते हैं और फायदा भी मिलता है इनको। और सुनो, इनको विपरीत की चाह भी होती है। क्या ये गुरु के जातक हैं, शानदार होते हैं, लेकिन मन ही मन में ये स्त्रियों पर माना विपरीत पर आकर्षित होते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, थोड़े मतलबी भी होते हैं। और इनकी अब मैं थोड़ी माइनस भी बता दूंगा आपको। अभी गुरुवार सब बच्चे होते हैं तो ये है कि सदा अपनी ही सोचते हैं, अपने सिवा किसी से लेना देना नहीं रखते हैं। सामने तो बहुत मीठे मुस्कुराते मधुर गालों में लाली, और आपका हाँ में आपको कि बस यही मेरा अपना है, लेकिन इधर आके आपने पीठ पलटी उधर वो अपनी सोचना शुरू कर देंगे। ये जुआ, सट्टा, लॉटरी, इनके मन में चाह होती है और ये खेलते भी हैं और इनको बहुत बड़ी ऊंचाइयां भी मिलती हैं। आप कैसीनोज में जाओगे ना तो ये विशाखा नक्षत्र जितना होगा आपको मिलेगा। बहुत थोड़े पर्सनलिटी अच्छी, कपड़े अच्छे पहने हुए, और आपको लगेगा अभी यहाँ तेज़ी से हाथ चला रहे हैं और तेज़ी से पाते भी हैं। इनको आकस्मिक धन लाभ मिलते हैं, वही होता है। और ये क्या है, इनको ईश्वर ने एक बहुत ताकत दी है, शत्रुजीत। इनका शत्रु इनके सामने टिक नहीं सकता, चू नहीं कर सकता है। ये जब भी सामने आएंगे ना तो शत्रु भी है ना अपनी फौजें पीछे लेना शुरू कर देता है। क्या ये बुद्ध है, माना ब्रह्मांड का अति पावरफुल शक्तिशाली गुरु का जो बेटा है ये, तो ऐसे होता है। इनका एकाधिपत्य होता है। व्यवसाय में इनको कमीशन संबंधी हो कार्य हो या कंसल्टेंसी में तो ये आसमानी ऊंचाइयां छूते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा होता है इनको। और मीडिया के मालिक हो सकते हैं, ये संपादक हो सकते हैं। और इनको कंस्ट्रक्शन में मैंने देखा है, पता नहीं क्यों, या हो सकता है मेरे जातकों से ऐसे, तो कंस्ट्रक्शन की लाइन में ना इनको धक्का लगता है। तो मैं अपने जातकों को कहता हूँ, कंस्ट्रक्शन में हो या उससे मिलते जुलते कंसल्टेंसी में घुसो और आराम से रहो। इनको थोड़े गुप्त रोग और डायबिटीज आदि और नर्वाइन सिस्टम न्यूरो ट्रबल्स मैंने देखे हैं, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से ये जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। ये बड़ी बड़ी बात है। ये इनका भाग्य तो शुरू से ही माना 16-17 साल के होता है ना भाग्य चलना शुरू करता है। विशाखा का पैदा होते ही पिता इनको हाथी पे बिठा देगा, ऐसा हाल होता है। और 34 साल की उम्र में ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ते हुए और 52 साल के जब ये बैठेंगे भाई साहब, तो विशाखा नक्षत्र का कोई मुकाबला नहीं है। ये आसमानी ऊंचाइयां पा चुका होता है।
दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान भी मिलते हैं इनको, देर नहीं होती है। ये है आपका विशाखा नक्षत्र वालों, ये शत प्रतिशत मेरा शोध है हमारे बुजुर्गों का, 2000 साल से लेके वर्तमान बुजुर्गों का भी। ये सब श्रेय मैं खुद पे नहीं लेना चाहता हूँ, ये लोग मुकाबले एस्ट्रोलॉजी में शायद इससे भी एक्सपांड होकर आपको मिलेगा। दाता सुखी रखे, अगले नक्षत्र के लिए फिर मिलेंगे, तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। गॉड ब्लेस।